मारवाड़ और अलवर के किसान आंदोलनों की विवेचना। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर एक, मारवाड़ में किसान आंदोलन। मरुभूमि होने के कारण यहां के भूमि बंदोबस्त पर कृषकों व प्रशासकों का अधीन अधिक ध्यान नहीं था, किंतु कृषकों की समस्याओं के प्रति अन्य राज्यों की अपेक्षा यहां राजनीतिक चेतना अधिक जागृत थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा के माध्यम से कृषकों की समस्याओं के प्रति सक्रिय जनमत तैयार हुआ। 1936 में जब राज्य सरकार ने 119 प्रकार की लागतों की समाप्ति की घोषणा की, तो कृषकों ने इन्हें जागीरी क्षेत्रों से भी खत्म करवाने का प्रयास किया। 1939 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का समर्थन किया और किसानों को जागीरदार के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1941 ईस्वी में परिषद ने एक समिति नियुक्त करके लाग व बेगारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। किसानों का आंदोलन कमजोर करने के लिए मारवाड़ किसान सभा नामक एक समानांतर सभा जून 1941 ईस्वी में गठित की गई, किंतु इस प्रकार का उद्देश्य सफल नहीं हो पाया। 1941-42 ईस्वी में जाट कृषक सुधारक सभा द्वारा राज्य सरकार से लागू करवाने व लगान कम करवाने के लिए सभाएं की। रामदेवरा व नागौर मेलों जैसे धार्मिक उत्सवों का लाभ उठाते हुए संघर्ष करने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया। इस आंदोलन की चर्चा संपूर्ण भारत में होने लगी। हरिजन समाचार पत्र में राज्य की आलोचना छापने के बाद दिसंबर 1943 ईस्वी में दरबार ने जागीरों में भूमि बंदोबस्त के आदेश दिए। इसका विरोध जागीरदारों ने किया व किसानों पर अत्याचार बढ़ा दिए। फलस्वरूप अब आंदोलन ने जागीरदारों के ही उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित कर लिया। जागीरदारों ने किसान सभाओं व लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर क्रूर व पाशविक अत्याचार आरंभ किए और इसकी पराकाष्ठा डाबरा कांड के रूप में हुई, जहां 13 मार्च 1947 को पुलिस ने परिषद कार्यकर्ताओं व किसानों के शांतिपूर्ण जुलूस पर हमला कर दिया। इस कांड की चारों ओर भर्त्सना की गई, पर राज्य सरकार ने दोषियों को दंडित करने के स्थान पर कृषकों व लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ही दोषी ठहराया। इस गंभीर समस्या का समाधान भी स्वतंत्रता पश्चात ही हो पाया। मारवाड़ में किसानों का नेतृत्व सर्वश्री जय नारायण व्यास, राधा कृष्णन, तात आदि जैसे जुझारू नेताओं ने किया। नंबर दो, अलवर का किसान आंदोलन। नीमू चना कांड। अलवर राज्य में भी जन जागृति का प्रारंभ किसान आंदोलन से हुआ। जंगली सुअरों के उत्पात से दुखी होकर राज्य के किसानों ने आंदोलन चलाया। महाराजा ने समझौता करके सुअर को मारने का आदेश दिया। बाद में राज्य के किसानों ने लगान वृद्धि के विरोध में नीमू चना गाँव में सभा का आयोजन किया। सैनिकों ने गांव छोड़कर जाने वाले लोगों पर गोलियां चलाई, जिससे सैकड़ों स्त्री पुरुष बच्चे शहीद हो गए। महात्मा गांधी ने नीमू चना कांड का विरोध किया। अंग्रेजी शासन पर इस कांड का दबाव पड़ा और उन्होंने अलवर के महाराजा के साथ मिलकर किसानों को से समझौता किया। इसके अलावा मारवाड़, शेखावटी, जयपुर एवं हड़ौती के किसानों ने भी राज्य में होने वाले अत्याचारों का विरोध किया। नंबर तीन, सीकर में वे शेखावटी में किसान आंदोलन। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान के अन्य इलाकों की भांति सीकर ठिकाने के किसान भी जुल्मों से त्रस्त थे। किसानों की भूमि का कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता था, लगान निर्धारण का कोई उचित पैमाना नहीं था, लगान की दरें काफ़ी ज़्यादा थी। अकाल की स्थिति व फसलों के खराब होने पर भी लगान वसूली में किसान की स्थिति का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। लगान के अतिरिक्त किसानों से अनेक प्रकार की लाग बाट और बेगार ली जाती थी। किसान आंदोलन का प्रारंभ सीकर ठिकाने के राजा कल्याण सिंह द्वारा 25 से 50% तक भू राजस्व वृद्धि करने से हुआ।
वह 1923 ईस्वी में वर्षा कम होने पर भी नई दर से लगान वसूली की। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने इसे के विरुद्ध आवाज उठाई। 1931 ईस्वी में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना के बाद किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। किसानों को धार्मिक आधार पर संगठित करने के लिए ठाकुर देशराज ने पल थाना में एक सभा कर जाट प्रजापति महायज्ञ करने का निश्चय किया। वसंत पंचमी 20 जनवरी 1934 को सीकर में यज्ञाचार्य व पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में यह यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ की समाप्ति के बाद किसान यज्ञपति पंडित हुकुम सिंह को हाथी पर बैठाकर जुलूस निकालना चाहते थे, किंतु राव राजा कल्याण सिंह और ठिकाने के जागीरदार इसके विरुद्ध थे। इससे लोगों में जागीरदारों के प्रति रोष उत्पन्न हुआ और माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रसिद्ध किसान नेता छोटू राम ने जयपुर महाराजा को तार द्वारा सूचित किया कि एक भी किसान को कुछ हो गया तो अन्य स्थानों पर भारी नुकसान होगा और जयपुर राज्य को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अंततः किसानों की जिद के आगे सीकर ठिकाने को झुकना पड़ा और स्वयं ठिकाने ने जुलूस के लिए सजा सजाया हाथी प्रदान किया। 7 दिन तक चलने वाले इस यज्ञ कार्यक्रम में स्थानीय लोगों सहित उत्तर प्रदेश, पंजाब, लोहारू, पटियाला और हिसार जैसे स्थानों से लगभग 3 लाख लोग उपस्थित हुए। सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया कब्बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को कटरा थल नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीकर ठिकाने ने उक्त सम्मेलन को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी। इसके बावजूद कानून तोड़कर महिलाओं का यह सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें श्रीमती दुर्गा देवी शर्मा, श्रीमती फूला देवी, श्रीमती रमाबाई जोशी, श्रीमती उत्तमा देवी आदि प्रमुख थी। 25 अप्रैल 1935 को जब राजस्व अधिकारियों को दल लगान वसूल करने के लिए कुदन गांव पहुंचा, तो एक वृद्ध महिला धापी दादी द्वारा उत्साहित किए जाने पर किसानों ने संगठित होकर लगान देने से इनकार कर दिया। पुलिस द्वारा किसानों के विरोध का दमन करने के लिए गोलियां चलाई गईं, जिसमें 4 किसान चेतराम, टीकूराम, तुलछाराम तथा आशाराम शहीद हुए और 175 को गिरफ्तार किया गया। इस विभत्स हत्याकांड के बाद सीकर किसान आंदोलन की पूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। जून 1935 ईस्वी में जब इस पर हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रश्न पूछा गया, तो जयपुर के महाराजा पर मध्यस्थता के लिए दबाव पड़ा और जागीरदार को समझौते के लिए विवश होना पड़ा। 1935 ईस्वी के अंत तक किसानों की अधिकांश मांगें स्वीकार कर ली गई। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं के सरदार हरलाल सिंह, नेता राम सिंह गोरीर, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह वाटड़ा नाव, हरू सिंह पलथना, गोरू सिंह कटराथले, ईश्वर सिंह भेरूपुरा, लेखराम कसवाली आदि शामिल थे। नंबर 4, शेखावटी आंदोलन। यह आंदोलन सीकर कृषक आंदोलनकारी विस्तार था। यहाँ के 5 ग्राम समूह पंच थाने बिसाऊ, डडलोद, मलसीसर, मडडावा व नवलगढ़ ठिकाने राज्य प्रशासन की अकर्मण्यता व 1929 से 1930 ईस्वी की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण त्रस्त थे। इनकी समस्याओं का समर्थन अखिल भारतीय जाट महासभा ने झुंझुनू के अपने वार्षिक सम्मेलन में किया, जिससे किसानों को नैतिक बल मिला। उचित सुनवाई ना होने के कारण किसानों ने लगान ना देने का फैसला किया। 1934 ईस्वी व 1936 ईस्वी में कुछ समझौतों की रूपरेखा तो बनी, पर जागीरदारों के विरोध के कारण क्रियान्वित नहीं हो सकी। 1938 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल ने भी इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। 1942-46 ईस्वी के मध्य जयपुर राज्य दोनों पक्षों की संतुष्टि के लिए विभिन्न समझौते लागू करने का प्रयत्न करता रहा।
पर इसका स्थायी समाधान 1947 ईस्वी के बाद निकला।